द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी कार्य कुशलता। शहर में रिश्वत का बाजार गर्म था। कोतवाल साहब तथा इंचार्ज कोतवाली खूब चांदी काट रहे थे। इसी कारण शहर में अनेक प्रकार के अपराध बढ़ रहे थे। स्थान स्थान पर जुए के अड्डे स्थापित थे। इन अड्डों से पुलिस को मासिक आय होती थी। बदमाश तथा गुंडे बात पड़ने पर अलानिया कहते थे कि पुलिस तो हमारी नौकर है। संध्या का समय था नगर के एक बाजार में, जहां भले आदमियों के मध्य में वैश्याओं के घर भी थे। खूब चहल पहल थी। जहां वैश्याएं होती हैं वहां गुंडे बदमाश भी आते जाते रहते हैं। अतः इस समय वहां शहर का एक प्रसिद्ध गुंडा अपने दो अनुचरों के साथ मंडरा रहा था। कभी वे किसी तंबोली की दुकान पर खड़ा हो जाता, कभी किसी वैश्या के मकान के सामने खड़ा होकर वैश्या से इशारेबाजी करता, कभी किसी दुकानदार से गपशप करने लगता। इस समय वे एक तंबोली की दुकान पर खड़ा हुआ पान बनवा रहा था। इसी समय उस हलके के चीफ साहब उधर से निकले। गुंडे को देखकर वे उसके पास पहुंचे और बोले, क्या अकेले ही अकेले पान खाओगे गुरु? गुरु ने घूमकर चीफ साहब की तरफ देखा और कहा, आओ आओ, देना भाई चीफ साहब को चार पान और एक सिगरेट। कहाँ चले? कहीं नहीं, ऐसे ही चले आए। हरामखोरी को निकले होंगे, शाम का समय है। चीफ साहब हंसकर बोले, दुनिया ही हरामखोरी पर उतर आई है, तब हम क्या उल्लू हैं जो हलाल खोरी को पकड़े बैठे रहें। गुंडा हंसकर बोला, ठीक कहते हो। इसी समय सामने के छज्जे पर से एक युवती वैश्या ने तमोली को पुकार कर कहा, लक्ष्मण भैया, आठ पान और एक डिब्बी सिगरेट भेज दो। गुंडा हंसकर बोला, क्यों लक्ष्मण भैया, तुम्हारी बहन है? यदि और कोई ऐसी बात कह देता तो लक्ष्मण बिगड़ उठता, क्योंकि वह भी बदमाश था। परंतु गुरु के सामने बोलने का साहस उसमें नहीं था, इस कारण वह मुस्कुराकर बोला, वाह गुरु, ऐसी कहोगे, हमारी बहन ससुरी काहे को है, और वैसे तो पराई औरत माँ बहन के बराबर ही होती है। यह कहो, आजकल तो बड़े साधु बने हुए हो, लेकिन एक बात तो बताओ, ये कौशल्या किसी के पास नौकर है क्या? अभी नहीं आई है, हमारी जान में तो अभी कहीं नौकर नहीं है। तब भी ससुरी इतनी लंबी चौड़ी बात करती है, इसे किसी दिन ठीक करना है। ऊपर चढ़ जाऊंगा और 200 जूते गिनकर मारूंगा, सारी नखरेबाजी भूल जाएगी, अभी हमें पहचानती नहीं है। अब पहचान लेगी, चीफ साहब बोले। और आप बोलिएगा नहीं। चीफ साहब, ये बताए देता हूं, हमें क्या मतलब, ससुरी को जूते से मारो चाहे जो करो, और बोलना तो हमसे पूछ लेना, हम तुम्हें कुछ पैदा करा देंगे। अच्छी बात है, हमारा इतना ख्याल रखते हो, यही क्या कम है, ख्याल रखना ही पड़ता है, तुम हमारे नौकर हो। चीफ साहब बेहयाई की हंसी हंसकर बोले, ठीक कहते हो साहब, हम पब्लिक के नौकर तो है ही हैं। पब्लिक जाए चूल्हे भाड़ में, हम पब्लिक की हैसियत से थोड़े ही कहते हैं। हम तो इसलिए कहते हैं कि हम तुम लोगों को तनख्वाह देते हैं, हर महीने कलदार। अच्छा, ऐसा ही सही भाई, जैसे तुम खुश रहो। ये कहकर चीफ साहब सिगरेट धधकाते हुए चल दिए। सुपरिटेंडेंट पुलिस, कप्तान साहब, मिस्टर रॉबिन्स एक अच्छे अफसर समझे जाते थे, न्यायप्रिय आदमी थे, हिंदुस्तानी भाषा बहुत साफ बोलते थे। सहसा ये भान नहीं होता था कि कोई यूरोपियन बोल रहा है। प्रातःकाल के 9 बजे थे। कप्तान साहब शहर के 2 रईसों से वार्तालाप कर रहे थे। एक रईस महोदय कह रहे थे, हुजूर के होते हुए अगर शहर की यह हालत हो तो बड़े ताज्जुब की बात है। हमको इस बात का खुद बहुत ख्याल है और हम जल्दी ही कोई इंतजाम करते हैं। पुलिस के अमाल से हुजूर की बदनामी होती है, और हुजूर की बदनामी सुनकर हम लोगों को बड़ी तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हुजूर बहुत इंसाफ पसंद और नेक हाकिम हैं।
हम स्कॉटलैंड यार्ड के आदमी हैं पंडित साहब। स्कॉटलैंड यार्ड अपनी ईमानदारी और कारगुजारी के लिए दुनिया भर में मशहूर है, कप्तान साहब ने कहा। ऐसे ही हाकिमों की तो यहाँ जरूरत है, लेकिन यहाँ की पुलिस से हम परेशान हैं। कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक सब रिश्वतखोर हैं। मेरा मतलब है कि ज्यादा तादाद में रिश्वतखोर हैं। बहुत कम आदमी ऐसे हैं जो रिश्वत नहीं लेते। हुजूर तो खुद ही सब बात जानते हैं, हुजूर को हम क्या बतावेंगे। लेकिन अगर हुजूर पुलिस की मदद से कोई कार्रवाई करना चाहेंगे तो ठीक ना होगा, क्योंकि पुलिस का शायद ही कोई आदमी इस काबिल निकले कि जिसके भरोसे हुजूर कोई काम करके कामयाबी हासिल कर सके। यह बात हम भी समझते हैं, देखा जाएगा। गुंडे अलानिया भले आदमियों की आबरू लेने को तैयार हो जाते हैं और पुलिस खड़ी देखा करती है। अभी परसों का मामला है, शहर का एक गुंडा जिसे छन्नो गुरु कहते हैं, एक तवायफ के कमरे पर चढ़ गया और उसे मारते मारते बेदम कर दिया। उसने चौकी पर रिपोर्ट की तो चीफ साहब ने उल्टे उसी पर इल्जाम रख कर उससे 50 रुपए ले लिए। दूसरे दिन वे बेचारी यहां से भाग गई। यह हालत है। हालांकि वे रंडी थी, लेकिन हुजूर, जुल्म तो किसी पर भी ना होना चाहिए, चाहे वे रंडी हो या शरीफ। इसी तरह गुंडों के हौसले बढ़ जाते हैं और वे शरीफों पर भी हाथ साफ करने लगते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, हम सब इंतजाम जल्दी ही कर देंगे, आप इत्मीनान रखें। हुजूर से ऐसी ही उम्मीद है, लेकिन इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा, ऐसा कभी हो सकता है। हुजूर की बात किसी से भी नहीं कही जाएगी। तो बस आप खातिर जमा रखिए, हम अच्छी तरह इंतजाम करेंगे, हम अपनी बदनामी नहीं बर्दाश्त कर सकते। बेशक कोई भी नेक आदमी अपनी बदनामी बर्दाश्त ना करेगा। अच्छा, अब इजाजत हो हुजूर, हुजूर का बहुत वक्त लिया। रात के 2 बजने का समय था। इसी समय एक तंग तथा अंधेरी गली से एक मुसलमान स्त्री बुरके से अपना शरीर तथा मुख छिपाए निकली। इसी गली के सामने सड़क पर 2 कांस्टेबल भाले लिए एक दुकान के चबूतरे पर बैठे थे। बुरकापोश स्त्री गली से निकलकर उनकी ओर आई और एक मुसलमानी मोहल्ले का नाम लेकर बोली, किधर है? कांस्टेबल ने पूछा। तुम वहां रहती हो? जी हाँ। यहाँ इतनी रात क्यों आई थी? स्त्री को क्षण विचार करके बोली, अब यह क्या करोगे पूछ के, रास्ता बता दो। तब तो मामला कुछ गड़बड़ है, अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा। स्त्री ने खुशामद की, लेकिन कांस्टेबल किसी तरह ना माने। स्त्री बोली, अच्छा अच्छा सब बता दूंगी। दोनों कांस्टेबल उसे लेकर चौकी पहुंचे। चीफ साहब पड़े सो रहे थे, उन्हें जगाकर सब वृतांत कहा। सच बताओ, स्त्री बोली, यहाँ एक आदमी से मेरा ताल्लुक है, उसी के पास आई थी। जिना करके आई थी? अच्छा इसे बंद करो, सवेरे थाने पर पेश करेंगे। स्त्री ने खुशामद की, पर चीफ साहब ना माने। अंत में उसने अपने हाथ से एक सोने की चूड़ी उतार कर दी, तब चीफ साहब राजी हुए। स्त्री आगे चली। कुछ फासले पर उसे एक और कांस्टेबल मिला, उसने भी उसे टोका। स्त्री ने उससे भी यही कहा कि वे अपने प्रेमी से मिलने आई थी। कांस्टेबल बोला, चलो थाने पर। थाने पर ना ले जाओ, यह लो। यह कहकर स्त्री ने 5 रुपए कांस्टेबल की ओर बढ़ाए। कांस्टेबल ने एक लपड़ स्त्री के मुख पर मारकर कहा, रिश्वत देती है हरामजादी? हम रिश्वत लेते हैं? ऐसी रिश्वत हम हराम समझते हैं, चल थाने। कांस्टेबल स्त्री को थाने पर ले गया। दरोगा जी को जगाकर उनके सामने स्त्री को पेश किया। वहां भी स्त्री ने वही कथा सुनाई। दरोगा जी ने उसे हवालात में बंद करने का हुक्म दिया। स्त्री ने 2 सोने की चूड़ियां उतारकर दरोगा जी को दी। दरोगा जी चूड़ियां देखकर बोले, सोने की है ना, कलई तो नहीं है? हुजूर के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकती, एक दिन का काम थोड़े ही है, ये कहकर स्त्री चल दी। स्त्री के जाने के 20 मिनट बाद ही पुलिस
पुलिस कप्तान मिस्टर रॉबिन्स ने थाने पर छापा मारा। उसी समय एक डीएसपी ने चौकी पर छापा मारा। दोनों जगह चूड़ियां बरामद हुई। चीफ कांस्टेबल तथा थानेदार साहब गिरफ्तार कर लिए गए। चूड़ियों के भीतर की ओर कप्तान साहब के नाम के प्रथम अक्षर अत्यंत महीन खुदे हुए थे। दूसरे दिन कप्तान साहब ने अपने बंगले पर उस कांस्टेबल को तलब किया जिसने स्त्री के लपड़ मारा था। उससे कप्तान साहब बोले, हमने तुमको चीफ कांस्टेबल बनाया, ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहना। कांस्टेबल ने सैल्यूट करके कहा, हुजूर के इकबाल से हमेशा ऐसे ही ईमानदारी और वफादारी से काम करूंगा। कांस्टेबल चलने लगा तो कप्तान साहब बोले, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, आइंदा किसी औरत के इतने जोर का लपड़ मत मारना। कांस्टेबल चला गया। उसके जाने के बाद कप्तान साहब अपनी पत्नी से, जो उनके निकट ही बैठी थी, अंग्रेजी में बोले, बड़े जोर का लपड़ मारा था इसने मेरे गाल पर, अब तक दर्द कर रहा है। मेम साहब हंसकर बोली, ताकतवर आदमी है, आइंदा जरा बच कर काम करना। कप्तान साहब हंसकर बोले, अगर दूसरा लपड़ मारता तो मुझे वहीं अपने को प्रकट कर देना पड़ता। तब तो उसकी शक्ल उस समय देखने के योग्य होती, बेचारा खौफ से अधमरा हो जाता। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।